आपका स्वागत है आज के योग के अभ्यास में। आज का अभ्यास सुबह के लिए है, तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। मैट के छोटे छोर की तरफ वज्रासन में बैठें। अब अपने घुटनों के बीच में थोड़ा सा गैप लाते हुए हाथों को आगे की ओर चलाएं और बाल आसन में आ जाएं। अपने हाथ आगे की ओर स्ट्रेच करें, आपका माथा ज़मीन पर। इसी आसन में सामान्य रूप से सांस लें और कुछ देर बने रहें। धीरे से हाथों को वापस घुटनों की ओर चलाते हुए ऊपर उठें, घुटनों को जोड़ें, अपनी कोहनी को घुटने के साथ लगाकर हाथों को एक स्टेप आगे की तरफ लेकर भ्रमण आसन या टेबल टॉप पोज में आएं, पैरों को नीचे की ओर कर्ल करते हुए घुटने ऊपर उठाएं और अधोमुख श्वानासन में आएं। अपने पैरों को ऊपर नीचे करें कि आपके टांगों का पिछला हिस्सा खुल सके। अपने कंधे को घुटने की तरफ प्रेस करें ताकि आपकी पीठ बिल्कुल सीधी हो जाए। आपका सर आपके बाजुओं के बीच में रहेगा। दाएं हाथ को मैट पर दबाते हुए बाएं हाथ से दाएं पैर को छुएं, या फिर आप राइट एंकल को भी पकड़ सकते हैं और अधोमुख श्वानासन में हल्का सा ट्विस्ट करें। अब हाथ वापस पीछे ले जाएं, यही हम दूसरी तरफ करेंगे। तो बाएं हाथ को मैट पर दबाते हुए दाएं हाथ से बाएं पैर को या बाएं एंकल को टच करें, ट्विस्ट में बने रहें। फिर धीरे से वापस आएं अधोमुख श्वानासन में। यहाँ से दोनों हाथों को और बाएं पैर को नीचे की ओर दबाते हुए दाएं पैर को दोनों हाथों के बीच में आगे की तरफ रखें, वापस धीरे से बीच में और हाथ ऊपर हाई लंज में। अपने हाथ ऊपर की ओर उठाएं, रूफ की तरफ पॉइंट करते हुए और सामने देखें। ये एक बैलेंसिंग पोस्चर है, अपने दोनों पैरों पर बैलेंस करें। अब अपने बाएं कोहनी को दाएं घुटने पर रखें और हाई लंज की वेरिएशन में आएं। तो आज हम काफ़ी आसनों में ट्विस्ट भी ऐड कर रहे हैं। हाथों को जोड़ें, पीछे की ओर देखें। वापस धीरे से बीच में और हाथ ऊपर हाई लंज में। अब दोनों हाथ पीछे की ओर पॉइंट करते हुए अपनी बैक को थोड़ा स्लांटिंग पोजीशन में लाएं ताकि वो बाईं टांग के साथ एक सीधी रेखा में आए। यहाँ से बाएं हाथ को नीचे रखते हुए दाएं हाथ को ऊपर उठाएं और रूफ की तरफ देखें। बायां घुटना नीचे, अपने दाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ें। ये भी एक तरीके का स्पाइनल ट्विस्ट है लो लंज में। वापस बीच में आए, दोनों घुटने पीछे की तरफ भ्रमण आसन में। अब वापस डाउनवर्ड डॉग में आए। अब यहाँ से फिर से अपने बाएं हाथ से दाएं एंकल को पकड़ें,
ट्विस्ट करें, अब दूसरी तरफ दाएं हाथ से बाएं एंकल को पकड़ें, वापस बीच में आए डाउनवर्ड डॉग में। इस बार बायां पैर उठाकर दोनों हाथों के बीच में आगे की तरफ रखें, हाथ जोड़ें, ऊपर उठे हाय लंच में, अब यहां पर दाएं कोनी को बाएं घुटने पर रखें और स्पाइनल ट्विस्ट हाई लंज के साथ। पीछे की ओर देखें, धीरे से वापस बीच में, हाथ ऊपर की ओर उठाएं, सामने किसी पॉइंट पर देखते हुए बैलेंस करें हाई लंज में। आगे की तरफ टिल्ट करें ताकि आपका ऊपर का शरीर आपकी दाई टांग के साथ एक लाइन में आए। अब धीरे से दाएं हाथ को नीचे रखते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, एक और स्पाइनल ट्विस्ट। अब दाएं घुटने को मैट पर रखते हुए दाएं पैर को बाएं हाथ से पकड़ें, लो लंज स्पाइनल ट्विस्ट में। अब धीरे से दोनों घुटने पीछे की ओर ले जाएं। यहां से आप फिर से बाल आसन में घुटनों के बीच में गैप लाते हुए अपनी एड़ियों पर बैठें, माथे को जमीन पर रखें, हाथ आगे की तरफ, और यहां थोड़ी देर रिलैक्स करें। 3 से 4 गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। फिर से हाथ पीछे की तरफ चलाते हुए ऊपर की ओर उठें, डिस्टेंस नापते हुए कोनी को पहले घुटने के साथ लगाएं, फिर एक हाथ आगे करते हुए अधोमुख श्वानासन में ऊपर की ओर धीरे से उठें। अगर आप ये मेजरमेंट नहीं कर पाते तो आप जिस तरीके से अधोमुख श्वानासन में आते हैं वैसे ही आएं। कंधों को घुटने की तरफ प्रेस करें, कमर सीधी। अब धीरे से दाएं घुटने को दाएं कोनी पर टच कराएं 3 बार। पैर को पीछे ले जाएं, फिर आगे घुटने को कोनी पर। अब यही हम बाएं घुटने से करेंगे, दायां पैर नीचे दबाते हुए बाएं घुटने को बाई कोनी से टच कराएं। अब यहां से दोनों घुटने जमीन पर और मर्जरी आसन अपनी कमर को रिलैक्स करने के लिए हम करेंगे। तो ठुड्डी को छाती पर लगाते हुए अपनी कमर ऊपर की ओर मोड़ें और फिर सांस लेते हुए कमर नीचे की ओर मोड़ें। ऐसा आप 2 से 3 बार कर सकते हैं। और वापस धीरे से अधोमुख श्वानासन में फिर से आएं। यहां से बाईं टांग ऊपर की ओर उठाते हुए अपने बाएं पैर को
अपने हाथों के बीच में आगे की तरफ रखें। हाथों को मैट के लंबे छोर की तरफ चलाते हुए वाइड लेग फॉरवर्ड फोल्ड में आएं। आपका सर का शिखर ज़मीन की ओर पॉइंट करेगा। जितना हो सके इस आसन में डीप जाएं। हाथों का सहारा लें उन्हें आगे की तरफ रखते हुए। अब बाएं हाथ को नीचे प्रेस करें और दायां हाथ ऊपर रूफ की तरफ उठाएं और ट्विस्ट करें। छाती को दाईं तरफ खोलें। अब दायां हाथ नीचे, यही हम बाईं तरफ करेंगे। अब धीरे से दोनों हाथ वापस नीचे वाइड लेग फॉरवर्ड फोल्ड में। अपने दोनों हाथों को दाएं पैर की तरफ चलाएं और माथा दाएं घुटने पर लगाएं। अब यहां से बाएं पैर की तरफ और माथा बाएं घुटने पर लगाएं। वापस फिर से बीच में आएं। अब मैट के छोटे छोर की तरफ सामने की तरफ फिर से हाथों को चलाते हुए धीरे से अधोमुख श्वानासन में आ जाएं। अपना बायां पैर पीछे की तरफ ले जाएं। अब दाईं टांग ऊपर उठाएं। अपने हाथों और बाएं पैर पर जोर डालते हुए और दाएं पैर को सामने दोनों हाथों के बीच में रखें। फिर से दूसरी तरफ मुड़ें वाइड लेग फॉरवर्ड फोल्ड में, हाथों को मैट के लंबे छोर की तरफ चलाते हुए। दाया हाथ ऊपर, बाया हाथ नीचे ट्विस्ट करेंगे वाइड लेग फॉरवर्ड फोल्ड में। अब दाया हाथ नीचे, बाया हाथ ऊपर, यहीं पे बने रहें। धीरे से दोनों हाथ वापस नीचे वाइड लेग फॉरवर्ड फोल्ड में। वापस हाथों को मैट के छोटे छोर की तरफ चलाते हुए दोनों टांग पीछे ले जाएं और अधोमुख श्वानासन में आए, यानी डाउनवर्ड डॉग में। अब यहां से दोनों घुटने वापस जमीन पर, टांगों को आगे की तरफ लाएं और अपने मैट पर बैठें दंडासन में। दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाएं, गहरी लंबी सांस लें, अपनी बैक को पूरी तरह स्ट्रेच करें और आगे की ओर झुकें पश्चिमोत्तानासन में। आप अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ भी सकते हैं, पर प्रयास करें कि आप लोअर बैक से आगे की ओर झुकें और अपने माथे को घुटने की तरफ लाने का प्रयास करें, पर उतना ही जितना आपका शरीर अनुमति दे। वापस हाथ पीछे की ओर लाते हुए दंडासन में आए। यहाँ से हम वक्रासन करेंगे, तो आप अपने दाएं पैर को बाएं टांग से दूसरी तरफ ले जाकर बाईं तरफ रखें, बाएं कोनी को दाएं घुटने पर, और पीछे की तरफ देखें दाईं तरफ। अपने कंधों को खोलें, दाया हाथ पीछे, वापस बीच में आए, दाएं टांग सामने, बाएं पैर को दाएं टांग की दूसरी तरफ रखें, दाएं कोनी को बाएं घुटने पर, बाएं तरफ ट्विस्ट करें, बाएं हाथ पीछे, अपने शोल्डर्स को ओपन करें, पीछे की तरफ देखें।
दोनों टांगे सामने। अब धीरे से टेबल टॉप पोज में आए और वापस अधोमुख श्वानासन में आए। यहाँ पे एडजस्ट करें और इस बार अधोमुख श्वानासन आपको आसान लगेगा। अपने पैरों को हाथों की तरफ चलाएं आगे की ओर और मैट के ऊपरी भाग की तरफ आगे की तरफ झुकते हुए धीरे धीरे ऊपर उठें। हाथों को जोड़कर प्रणाम आसन में खड़े हों। यहाँ से हम चेयर पोज करेंगे, तो अपने घुटनों को मोड़ते हुए इस तरीके से आगे की ओर झुकें कि जैसे आप कुर्सी पर बैठ रहे हैं। यहाँ से भी हम एक ट्विस्ट करेंगे, बाएं कोनी को दाएं घुटने पर रखें और पीछे की तरफ देखें। इसी आसन में बने रहें। इस बात का ध्यान रखें कि आपके घुटने आपके पैरों के अंगूठों को क्रॉस ना करें, उनके साथ एक लाइन में रहें। वापस ऊपर उठें, हाथ जोड़ें। प्रणाम आसन में फिर से चेयर पोज में बैठें। दाएं कोनी को बाएं घुटने पर रखते हुए बाएं तरफ ट्विस्ट करें। फिर से वापस चेयर पोज में आएं और ऊपर उठें प्रणाम आसन में। आंखें बंद करें, यहाँ पर हाथ ऊपर की ओर उठाएं, सांस लें और आगे की ओर झुकें। फिर से सांस लें, हाथ आपके घुटनों पर, सांस छोड़ते हुए फिर से पादहस्तासन में। धीरे से पैर पीछे ले जाते हुए अधोमुख श्वानासन में आए। घुटने दोनों जमीन पर, पैरों को आगे की ओर स्ट्रेच करते हुए अब अपनी कमर पर आराम से लेट जाएं। अपने दाएं टांग को बाएं टांग पर क्रॉस करते हुए दोनों घुटने बाएं तरफ मैट पर रखें। आपके दोनों हाथ जमीन पर जमे रहेंगे और आपकी चिन रूफ की तरफ पॉइंट करें। इसे हम रिक्लाइंड स्पाइनल ट्विस्ट कहते हैं। आंखें बंद करें और यहीं पर रिलैक्स करें थोड़ी देर। ये आसन जितना भी कमर पर जोर पड़ता है उसे रिलीज कर देता है। वापस दोनों घुटने बीच में। अब यही हम दूसरी तरफ करेंगे, बाएं घुटने को दाएं घुटने पर, दोनों घुटने दाईं तरफ। वापस दोनों घुटने बीच में। अपने घुटनों को छाती की तरफ लाएं, हाथों से पकड़ें और माथे को घुटने पर लगाएं पवन मुक्तासन में। अब दोनों टांगे स्प्रेड करते हुए उनके बीच में 2 फीट गैप, हाथ ऊपर की तरफ शव आसन में आराम से लेट जाएं। आंखें बंद करें
और यहीं पे पूरी तरह रिलैक्स करें। महसूस करें कि धरती से ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और आपको पूरी तरह रिलैक्स कर रही है। दो मिनट यहीं बने रहें। अगर जरूरत पड़े तो गहरी लंबी सांस लें 2 से 3 बार। जब आपको ठीक लगे धीरे से उठकर बैठ जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के अभ्यास में मेरे साथ जुड़ने के लिए। अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दें। मुझे आशा है आपको आज का अभ्यास थोड़ा अलग लगा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्विस्ट थे जो यूजुअली हम प्रैक्टिस में नहीं डालते हैं। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी नए वीडियो के साथ।